हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय और आप देख रहे हैं शॉन टिप्स। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं, एंडोमेट्रियोसिस। ये प्रॉब्लम बहुत सारी फीमेल्स को फेस करनी पड़ती है अपनी ज़िंदगी में, जिस दौरान एक फ़ीमेल बच्चा पैदा कर सकती है, यानी कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है। ये मुद्दा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में 10-15% के करीब ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनके अंदर एंडोमेट्रियोसिस होती है। और ये प्रॉब्लम और ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जिन फीमेल्स में एंडोमेट्रियोसिस होती है उनमें से काफ़ी फीमेल्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, यानी कि वो बेबी कंसीव नहीं कर सकती है। अंदाज़ा ऐसा लगाया जाता है कि 20-45% के करीब ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनके अंदर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से बेबी कंसीव नहीं हो पाता है। फॉरगेट अबाउट दी बेबी नहीं हो पा रहा या और प्रॉब्लम्स हैं, इसमें फीमेल को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो हर महीने पेन, जो सबसे बड़ी दिक्कत करता है और वो उसका कॉन्फिडेंस कम करता है और उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है इस एंडोमेट्रियोसिस की वजह से। इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि ये कैसे होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, किस तरह से इसका डायग्नोसिस किया जाता है और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये सब बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल का कंटेंट ज़रूर विज़िट कीजिए। हम हेल्थ टॉपिक्स पर बात करते रहते हैं, और अगर आपको लगे कंटेंट देखने के बाद कि आप हमारे साथ फ्यूचर में जुड़े रह सकते हैं, तो मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपको सर्व करेंगे। तो चलिए, ये तो चैनल का प्रमोशन हो गया, अब बात करते हैं एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस जो शब्द है ये आया है एंडोमेट्रियम से। एंडोमेट्रियम क्या चीज़ होती है? जो फीमेल का गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, उसके जो दीवार होती है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। उसकी जो कवरिंग होती है अंदर की तरफ, उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। यही एंडोमेट्रियम हर महीने जो फीमेल को मेंसेस आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, ब्लीडिंग होती है, यही एंडोमेट्रियम पूरे महीने धीरे धीरे करके बढ़ती है, फूलती है। उसके बाद में अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो बेबी की ग्रोथ के लिए और उस सब चीज़ों के लिए ये ज़रूरी होता है, यूट्रस के अंदर होती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो उस टाइम पर ये झड़ जाती है और फिर वो ब्लीडिंग होती है। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है, जो ब्लीडिंग होगी वो बाहर निकल जाएगी वजाइना के थ्रू, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। लेकिन कभी कभी 10-15% के करीब फीमेल में यही एंडोमेट्रियल जो टिश्यू होता है ये शरीर के दूसरे हिस्सों में भी ग्रो कर जाता है, और जब महीना आता है, महीने का समय आता है, उस दौरान दूसरे हिस्सों का जो एंडोमेट्रियम होता है वो भी सूजता है, वो भी फूलता है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो भी ब्लीड करता है। अब दूसरी जगह से जो ब्लड है उसको बाहर निकलने का कोई जगह नहीं है, तो फिर वो ब्लड वही जम जाता है, ब्लीडिंग होती है। और आपको भी पता है अगर कहीं पर भी चोट लगेगी तो ब्लड क्लॉट होगा और फिर उसके बाद में स्कैब बनता है, जैसे कि खुरंड आ जाता है, जैसे कि ऊपर से ड्राई स्किन हो जाती है, और फिर वो जगह चिपक जाती है और उसके आसपास के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो उसमें ट्रैप भी हो जाते हैं, और कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कौन कौन से ऑर्गन्स हो सकते हैं? ओवरी में हो सकता है, ओवरी में एंडोमेट्रियल टिश्यू हो सकता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो फेलोपियन ट्यूब है, जो अंडे को बाहर की तरफ लेके आता है, यूट्रस की तरफ, उसके अंदर ये ग्रो हो सकता है तो उसको ब्लॉक कर सकता है। उसके अलावा पेट में हो सकता है, उसके अलावा जो पेशाब का जो तंत्र होता है वहाँ पर ग्रो कर सकता है। यानी कि ज़्यादातर तो ये पेल्विक रीजन में रहता है, यानी कि चेस्ट से नीचे, और जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे अंग होते हैं ये इस एरिया के जो बीच में ही रहता है ज़्यादातर। लेकिन कभी कभी शरीर के किसी दूसरे हिस्से में भी ये हो सकता है, रेयर होता है, लेकिन ऐसे केसेस भी होते हैं। अब ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है? महीना आने के लिए फीमेल की बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और एंडोमेट्रियल टिश्यू कहीं पर भी होगा वो सब हार्मोन को रिस्पॉन्ड करेगा। तो जैसे जैसे हार्मोन्स बढ़ेंगे, जैसे कि इस्ट्रोजन होता है जो खास तौर से रिस्पॉन्सिबल होता है मेंसेस के लिए, जब उसका लेवल बढ़ता है तो बाकी सब जगह की एंडोमेट्रियम भी ग्रो करती है और प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती है। अब इसके कारण क्या है? कारण अभी तक हमको कुछ पता नहीं है कि ये किस वजह से होता है। अलग अलग तरह की थ्योरी है, सो इसका बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक काज नहीं पता है हमको, तो मैं उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊँगा। लेकिन जो मुझे लगता है कि मुझे आपको कन्वे करना चाहिए, सबसे बड़ी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और जितना भी एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड ट्रीटमेंट उपलब्ध है वो हार्मोन्स के ऊपर फोकस है। कि अगर इस्ट्रोजन जैसे जैसे बॉडी में बढ़ेगा वैसे वैसे बॉडी में पेन और डिस्कम्फर्ट वो काफ़ी ज़्यादा होगा।
उसी को अगर हम कम कर दें या दबा दें तो काफ़ी फीमेल्स में इसका अच्छा असर भी नज़र आता है, बट सब में नहीं नज़र आता। इसका मतलब है कि ईस्ट्रोजन ही इकलौता कारण नहीं है, इसके कारण और भी हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एज ए डॉक्टर मैं उन बाकी सब की ज़्यादा डिटेल में जाना ज़्यादा सही नहीं है, सिंपल हम लोग बात को सीधा सीधा सिंपल रखते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। लक्षण यही है जैसे कि जब शुरुआती तौर पर किसी को मीनार किया आता है, महीना आना शुरू होता है, तो कैसे दिक्कतें आती है, जैसे पेन होना शुरू हो जाता है, कुछ दिन पहले से ही पेन होना शुरू हो जाता है, बैक पेन होना शुरू हो जाता है, बॉडी में हरारत होना शुरू हो जाती है, उसका ही थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रूप कह सकते हो। यानी कि पेल्विक रीजन में पेन बहुत ज़्यादा होता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण होता है पेल्विक रीजन में पेन होना, और ब्लीडिंग के दौरान जब ब्लीडिंग होती है तब उसमें भी पेन होना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में पेन होना, और अब हैवी ब्लीड होना, और दो डेट्स के बीच में ब्लीड होना, इस तरह के इसमें आमतौर पर लक्षण देखे जाते हैं। कई बार क्योंकि जब पेल्विक रीजन में प्रॉब्लम आती है तो साथ में GIT भी जो है, जो हमारा पाचन तंत्र है, वो भी अफेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सब प्रॉब्लम भी हो सकती है। कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ये सारी दिक्कतें एंडोमेट्रियोसिस में फेस करनी पड़ती है। अगर इस तरह के कोई लक्षण आप नोटिस कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग इसमें चीज़ ये होती है कि बहुत बार इसका डायग्नोसिस बनाने में बड़ा समय लगता है, कई बार सही टाइम पर डॉक्टर के पास जाते भी नहीं है, और इसको पूरा डायग्नोस करने के लिए, पूरा इन्वेस्टिगेट करने में कई बार मरीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। सो आई अंडरस्टैंड इट, और इसके लिए आपको भी समझना चाहिए कि इसको डायग्नोसिस करवाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एडवांस स्टेज है तो बहुत ज़्यादा लक्षण आएंगे, या अगर शुरुआती स्टेज है तो कुछ लक्षण नहीं आएंगे। बहुत फीमेल्स में जब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तब भी बहुत ज़्यादा लक्षण आते हैं, और कुछ एक में ज़्यादा भी दिक्कत होती है तब भी कम लक्षण आते हैं। सो ये इसके लक्षणों की बात हो गई। अब बात करते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। डायग्नोसिस के लिए हमारे पास में कोई ब्लड टेस्ट वगैरह इस तरह की चीज़ तो नहीं है। अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड जो है वो काफ़ी हद तक एक मोटा मोटा आइडिया देता है कि इस तरह की प्रॉब्लम है, या कोई गांठ है, या कोई सिस्ट जैसी लग रहा है यूट्रस में, ओवरी में, फिलोपियन ट्यूब में, मोटा मोटा तरीके से एक अंदाज़ा देता है। इसको ज़्यादा डिटेल से समझने के लिए MRI की ज़रूरत होती है। MRI बड़ी सेफ प्रोसीजर होती है, थोड़ा समय लेती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको बताती है कि बॉडी में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी मात्रा में फैली हुई है। सो ये दोनों प्रोसीजर करते हैं। इसके अलावा बहुत बार इससे डायग्नोसिस बनता नहीं है। डॉक्टर क्या करता है, फिर आपको लैप्रोस्कोपी के बारे में एडवाइस करता है कि उसमें लैप्रोस्कोप एक मशीन डाली जाती है पाइप की, जैसे छोटा सा छेद करके पेट में, और फिर उससे देखा जाता है कि कहाँ कहाँ पर एंडोमेट्रियोसिस जैसी चीज़ें लग रही है, सिस्ट लग रहा है। बट डॉक्टर ऐसे ही रैंडमली नहीं कहता कि चलो जाइए आप ये करवा लीजिए अगर कुछ पता नहीं। डॉक्टर को जब आप जब जाते हो, आप अपनी पूरी हिस्ट्री बताते हो कि मैं ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करती हूँ, तो उसके बाद में डॉक्टर का को शक होता है, डॉक्टर और डिटेल में पूछता है, एग्जामिनेशन करके देखता है, फिर उसके बाद में अल्ट्रासाउंड करवा के देखता है, फिर उनका शक थोड़ा पक्का होता है, और फिर वो MRI और उन तरह की इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। उसके बाद में भी लगता है कि लक्षण पूरे एंडोमेट्रियोसिस के हैं, फिर जो डॉक्टर लेप्रोस्कोपी के बारे में भी बोलते हैं। जब काफ़ी कन्फर्म हो जाता है तो फिर ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, लेकिन कभी कभी ट्रीटमेंट उतना अच्छे से इफ़ेक्ट नहीं देता है, उस सिचुएशन में कई बार सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। मैं डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आपको मेंटली ये समझाना चाहता हूं, जो लोग जिनको ये प्रॉब्लम है वो फेस कर रहे हैं, कि आपको उस तरह से भी तैयार रहना चाहिए, उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है कभी कभी। अब बात आती है कि इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शंस है। ट्रीटमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम आती है फीमेल्स को, पेन की आती है, दर्द, उसके लिए आइबुप्रोफेन जो दिया जाता है। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आइबुप्रोफेन आप ले रहे हैं, तो फीवर के सिचुएशन में अगर आपको फीवर वगैरह इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो डॉक्टर की सलाह के बिना आइबुप्रोफेन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आइबुप्रोफेन जो है प्लेटलेट पे प्रभाव डालती है, और कई बार डेंगू और इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो दिक्कतें ज़्यादा हो सकती है। बट यस, आमतौर पर आइबुप्रोफेन से काफ़ी अच्छा इसमें इफ़ेक्ट आता है। इसके अलावा इसमें क्या किया जाता है कि ईस्ट्रोजन का लेवल अगर बढ़ेगा तो उसको हम कम करने के लिए पिल्स दी जाती है, हार्मोनल पिल्स दी जाती है। उससे क्या होता है कि ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा नहीं, मेंसेज आएगी नहीं, एंडोमेट्रियम बढ़ेगी नहीं, तो पेन नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा,
बट सब में इसका फ़ायदा कई बार नहीं होता है। फिर कुछ खास तरह के हार्मोन्स भी दिए जाते हैं, उसको डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे नाम बताने से उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये ऑप्शंस होती है डॉक्टर के पास में, उससे किया जाता है। क्योंकि मैं खुद क्यों नहीं बताना चाहता आपको, क्योंकि जितने भी देखिए मदर नेचर ने फीमेल्स को महीना आता है, कुछ तो रीज़न रहा होगा कि कुछ तो बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी। जब महीना आता है तो बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, फीमेल्स को उन हार्मोनल चेंजेस का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है उसकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। आपने शायद कभी सुना भी होगा कि इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही कुछ कुछ प्रॉब्लम्स फीमेल्स में, कार्डिक प्रॉब्लम्स वगैरह काफ़ी कम होती है, यानी कि उनकी जो ब्लड वेसल्स, धमनियाँ ज़्यादा अच्छी और स्मूथ रहती है। तो इसलिए जो हार्मोनल थेरेपी है खुद से कभी नहीं लेना चाहिए, ये बैकफायर भी कर सकती है, आपको कई तरह के कैंसर का रिस्क हो सकता है। डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। जितने भी ऑप्शन डॉक्टर के पास में अवेलेबल होगी वो आपको बताएंगे और आपकी कंडीशन के अनुसार वो आपके लिए बेस्ट सिचुएशन, बेस्ट तरीका ढूंढ के आपको बताएंगे, वो आपकी मदद करेंगे। क्योंकि हार्मोन ज़्यादा लेने से बोन्स कमज़ोर हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर होती है, फ्रैक्चर्स और इस तरह की प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा होती है। स्किन जो है ड्राई हो जाती है, वेजाइनल रीजन की जो स्किन होती है वो काफ़ी ड्राई होती है, हॉट फ्लशेज होते हैं, जैसे कि पूरा गर्म गर्म हवा निकल रही है, तो ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। तो डॉक्टर के साथ में बैलेंस आउट करके फिर इसका डिसीजन लेना चाहिए। जब ये काम नहीं करता है तो फिर सर्जरी के लिए भी प्लान किया जाता है। इसलिए डॉक्टर का हमेशा ये रहता है कि अगर आप सर्जरी की नौबत आ गई है तो वो कोशिश कहते हैं कि भई आप पहले अपनी फैमिली कंप्लीट कर लीजिए, बेबी कर लीजिए, उसके बाद में आप ये प्रोसीजर कर सकते हैं। और जिस दौरान कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस दौरान इसके लक्षण ज़्यादा उभार नहीं आते, क्योंकि एस्ट्रोजन तो लेवल अपने आप ही नीचे चला जाता है। उस टाइम पे बेबी फैमिली कंप्लीट करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है एक फीमेल का, एक कपल का, वो ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर आप कंसीव नहीं कर सकते हैं तो दूसरी ऑप्शन भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको एंडोमेट्रियोसिस कहाँ पर है उस पे काफ़ी डिपेंड करता है कि आपकी फर्टिलिटी पे कितना प्रभाव पड़ेगा। अगर फेलोपियन ट्यूब में ही है, ओवरी में ही है तो प्रभाव पड़ेगा, अगर दूसरी जगह पे है तो आराम से आप कंसीव कर सकते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डॉक्टर से इस बारे में डिस्कस कर लीजिएगा। हाँ, जब ये हो जाता है तब फिर आप जो है आराम से सर्जरी और उन सब चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। क्यों फैमिली कंप्लीट करने की बात करते हैं, क्योंकि जब बाद में जाके अगर इस तरह की सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो कई बार यूट्रस और ये सब चीज़ें निकालनी पड़ती है, यूट्रस, ओवरी, इन सब को निकालना पड़ता है, क्योंकि एस्ट्रोजन से ही ये सब प्रभावित होते हैं। उस टाइम पे अगर ये निकाल दिया तो बेबी कंसीव नहीं हो पाएगा, तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए डॉक्टर से बात ज़रूर कीजिए इसके बारे में। अब बात करिए जाए इसके प्रिकॉशंस की और प्रिवेंशन की, तो बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन आप नहीं कर सकते हैं। जिसको कुछ लोगों को होनी होती है तो होनी होती है। कई बार ये भी देखा गया है कि जेनेटिकली भी माँ के पेट से भी कई फीमेल्स में ये डिसाइड हो जाता है कि इसको बाद में जाके एंडोमेट्रियोसिस होगा या नहीं होगा। उसमें आपका कोई रोल नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, वो है तो है। बट आप प्रिवेंट करने के लिए उन फूड आइटम्स को प्रिवेंट कर सकते हो जो एस्ट्रोजन को रेज करते हैं, एस्ट्रोजन को बढ़ाते हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा होम कुक्ड फूड खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, कम से कम जो सॉस आती है अलग अलग तरह की, सॉस वगैरह कम खानी चाहिए। आप गूगल पर भी ढूंढोगे कि एस्ट्रोजन प्रमोटिंग फूड्स कौन कौन से हैं तो आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी, तो उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। हम भी कोशिश करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स को किस तरह की डाइट खानी चाहिए उसके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये था आज का वीडियो एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपका इस बारे में कोई सवाल है तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपको साइंटिफिक जवाब देने की कोशिश करेंगे, और वो भी जल्दी से जल्दी। थैंक यू दोस्तों, आप देख रहे थे शॉन टिप्स, मैं हूँ डॉक्टर विजय, स्टे ट्यून्ड।